हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी। इस वीडियो में TSDC ने कुछ वैकेंसीज निकाली हुई है, उनके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ किस ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, ये सारा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। TSDC इंडिया लिमिटेड ने जो वैकेंसीज निकाली हैं, बेसिकली ये नोटिफिकेशन 20 तारीख को आया था, 20 जुलाई को, ठीक है जी। तो आज हम लोग इसमें डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम बात करें, जो TSDC है, एक मिनी रत्ना कंपनी है, इन्होंने जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला है, फिक्स टर्म बेसिस पे है यहाँ पे, जिसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, मास्टर डिग्री जिन्होंने की है वो भी बच्चे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, आप इसकी डिटेल गो थ्रू हो सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने कंपनी की प्रोफाइल जो है यहाँ पे गिवन की हुई है, आप इससे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग, सिविल वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं, 33 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके अंदर 14 जो हैं अनरिजर्व्ड हैं, 6 SC वालों के लिए हैं, 3 ST वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज हैं एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए 8 वैकेंसीज निकली हुई हैं, EWS वाले बच्चों के लिए 2 वैकेंसी हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 38 वैकेंसीज निकली हैं, जिसके अंदर अनरिजर्व 14 है, 7 SC के लिए हैं, ST के लिए 3 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं, EWS के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 31 है, 11 वैकेंसीज अनरिजर्व, 6 वैकेंसीज SC वालों के लिए, 3 वैकेंसीज ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं एंड EWS वालों के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। नेक्स्ट जो है बेसिकली, ये अगर आपकी मास्टर डिग्री होल्डर हैं, आप मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है, तो सिविल के अंदर फ्लूड मैकेनिक्स में अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, आपके लिए एक वैकेंसीज है जो कि अनरिजर्व्ड वैकेंसी, मतलब ये जो बेसिकली ओबीसी वाली कैटेगरी के लिए, सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और ये जो है बेसिकली ओबीसी वाली कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक किया हुआ है, मास्टर डिग्री लिया हुआ है, एमटेक का मतलब ये, मास्टर डिग्री का मतलब ये नहीं कि खाली एमटेक है, आपने एमएस किया हुआ है, MSc किया हुआ है या फिर MTech किया हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इसके लिए एक वैकेंसी है जो बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आई हुई है। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर MTech किया हुआ है, मास्टर डिग्री की हुई है, तो इसके लिए भी एक वैकेंसीज है जो अनरिजर्व कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल के अंदर ही कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने MTech किया हुआ है, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसीज है जो OBC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल साइंस वाले बच्चों के लिए 3 वैकेंसीज निकाली है, 2 ओपन कैटेगरी के लिए है, 1 जो है बेसिकली SC वाली कैटेगरी के लिए। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 109 है, जो काफी अच्छी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली है। इसके लिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे की बात करते हैं, तो आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग बी टेक आपने किया होना चाहिए, आपके पास 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। देखो यहाँ पे इन्होंने मार्क्स मांगे हुए हैं, अगर आपको CGPA आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो आपकी यूनिवर्सिटी का एक कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, आप उस कन्वर्जन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, तो आपकी परसेंटेज जो है वो 60% से अबव होनी चाहिए। इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन आप देख ही रहे हो यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी जो है इंजीनियरिंग होनी चाहिए। आफ्टर इंजीनियरिंग आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर कैडर में, राइट, जिसके अंदर आपने हाइड्रो में या थर्मल में या सोलर में या विंड प्लांट में कहीं पे 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, आपकी बी टेक जो है बेसिकली या तो इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रिकल पावर में हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज में हो, या फिर पावर इंजीनियरिंग के अंदर हो, फिर से वही है, आपकी जो 6% है वो 60% से अबव हो, साथ में एक्सपीरियंस आपका सेम रहेगा, आपके पास ऑफिसर ग्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस 1 ईयर का, हाइड्रो थर्मल या फिर सोलर या विंड प्लांट के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया होना चाहिए, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में आपका बीटेक होना चाहिए, 60% से अबव आपके बीटेक में परसेंटेज होने चाहिए एंड पोस्ट क्वालिफाइंग 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है बेसिकली इंजीनियरिंग वाले में जो मास्टर डिग्री होल्डर बच्चे हैं उनके लिए है बेसिकली आपकी बी टेक एंड मास्टर डिग्री जो है बेसिकली किसी भी रिलेवेंट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए,
आपका परसेंटेज जो है वो 60% से अबव होना चाहिए एंड फ्लूड मैकेनिक्स में आपकी एमटेक होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफाइंग यहाँ पे भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने एग्जीक्यूटिव और ऑफिसियर कैडर में। आपने किसी हाइड्रो पावर प्लांट जो है जो 500 मेगावाट से अबव है उस वाले प्लांट में आपने वर्क किया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो वैकेंसी थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी जो है मतलब एमटेक होनी चाहिए या फिर मशीन या कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंटेशन में। आपके पास फिर से वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने वही मांगा हुआ है। आपकी जो बीटेक और एमटेक की परसेंटेज है वो 60% से अबव होनी चाहिए। सेम चीज यहाँ पे इन्वायरमेंटल वाले बच्चों के लिए है। आपके पास बी बीटेक और एमई एमटेक होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपकी परसेंटेज जो है वो 60% से अबव होनी चाहिए एंड पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रिलेवेंट कैडर में वही सेम चीज है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और यार ऑफिसर कैडर में आपके रिलेवेंट फील्ड में हाइड्रो या फिर थर्मल या सोलर या विंड पावर प्लांट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है आपके 10th और 12th में जो परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में है वो 65% से अबव होने ही चाहिए। यहाँ पे एक बेसिकली जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अगर हम एससी एसटी वालों की बात करते हैं तो अगर उन्होंने एग्जाम को केवल 10th और 12th के एग्जाम को पास भी किया हुआ है तब भी वो है बेसिकली एलिजिबल है। तो अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 10th 12th में आपकी परसेंटेज जो है वो 65% से अब होनी चाहिए। ये चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है। अगर आपकी 59.99% भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, राइट। एग्जैक्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 1 अगस्त को इन्होंने काउंट की जाएगी एंड आपकी एज जो है वो 32 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बेसिकली रहेगा आपके मार्क्स एकेडमिक में जो आपने ऑफर किए हुए हैं जॉब एक्सपीरियंस देन इसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके क्वालिफाइंग जो एकेडमिक है उसके मार्क्स को प्लस जॉब एक्सपीरियंस को प्लस आपके इंटरव्यू को कंसीडर करके फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बनाई जाएगी। तो फिक्स कंसोलिडेट आपको 6,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में ये चीजें जो है सीटीसी आपका नेगोशिएबल है। अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है एक्सपीरियंस अच्छा है आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो ये आपका जो है सीटीसी जो है यहाँ पे नेगोशिएबल होगा एंड यहाँ पे बाकी सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की या रजिस्ट्रेशन फी की। तो देखो अगर आप ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे करनी पड़ेगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो गए हैं। एस सी एस टी वाले कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई फी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 जुलाई से बेसिकली स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है 19th of August है। 19th of August तक आप अप्लाई कर सकते हैं एंड फी पेमेंट की जो डेट है वो 21st of August है। 21st of August 5:30 से पहले पहले आपको एग्जामिनेशन फी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफाइंग जो आपने इन्होंने रिलेवेंट एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा हुआ है आपके पास वो एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।